हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है। दोस्तों, आज हम जीएसटी में एक लेटेस्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एनुअल रिटर्न के बारे में। दोस्तों, एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट जो है वो 30 जून 2019 है फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 17-18। दोस्तों, पोर्टल पर ये फैसिलिटी लाइव हो गई है। अब आप जाकर ऑनलाइन इस रिटर्न को प्रिपेयर ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। बेसिकली हमने इसके लिए कोशिश की है एक डिटेल्ड वेबिनार ऑर्गेनाइज करने की, जो कि हमारे मेंबर्स के बेनिफिट के लिए है। इस वेबिनार में हम लाइव डेमो देंगे कि स्टार्ट कैसे करना है एनुअल रिटर्न फाइल करना और कंक्लूड कैसे करना है। उसके दौरान जितने भी बॉटलनेक्स हैं या जितनी भी लिमिटेशंस होंगी वो हम सब डील करेंगे, हमारी पूरी टीम डील करेगी। और उसके बाद आपको हम ये भी बताएंगे कि हर टेबल में डाटा, वैसे तो देखिए मैं आपको बताऊं कि टेबल जीएसटीआर 9 में जितने भी टेबल्स हैं उसमें डाटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, लेकिन उन ऑटो पॉपुलेटेड डाटा को कंपेयर करना और उसमें कोई चेंजेस अगर आपके हैं तो उसको कैसे फीड इन करना है और किस डाटा को कहां से एक्सट्रैक्ट करना है और कैसे कोरिलेट करना है, ये सारी एक्सरसाइज हम इस लाइव वेबिनार में करेंगे, जो कि हम 26 मार्च 2019 को कर रहे हैं, ट्यूसडे को सुबह 11 बजे से 1 बजे का टाइम होगा दोस्तों। और इसमें हम बहुत डिटेल्ड में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये यहां तक समझने वाली बात है कि अगर आपने एक बार अपना एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 जो फाइल करते हुए सबसे पहले यस और नो सेलेक्ट करना है, मान लीजिए आपका डाटा कुछ नहीं है और आपने यस सेलेक्ट कर दिया कि हाँ मेरे पास, आप क्वेश्चन आता है कि आप क्या निल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, आपने सेलेक्ट कर दिया नो, अब आप फ्यूचर में अगर आप दोबारा उसमें निल रिटर्न की बजाय डाटा फीड करना चाहते हैं तो आपको वो अलाउड नहीं करेगा। जब आपके पास डाटा है वहां पर ऑटोमेटिकली वहां वो यस सेलेक्ट करता है कि हाँ आपकी निल रिटर्न नहीं फीड होगी आपके पास, क्योंकि डाटा है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है दोस्तों कि कितना जरूरी है इस समय एनुअल रिटर्न को। और दूसरी बात, एनुअल रिटर्न को ढंग से फाइल करना, दूसरी बात इसमें भी वही सेम फीचर है कि एक बार आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया इसको रिवाइज नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसमें सबमिट और फाइल सेपरेट नहीं है, डायरेक्टली फाइल्ड है ईवीसी से या डिजिटल सिग्नेचर से, तो उसके लिए भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि एक बार अगर एनुअल रिटर्न फाइल हो गई तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, रिवाइज नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक डिटेल्ड वेबिनार ला रहे हैं 26 मार्च 2019 को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक के लिए। आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप हमें जो है अपना मोबाइल नंबर, नाम डाल सकते हैं, हम आपको कनेक्ट करेंगे और बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी, जो भी लिंक होगा ऑनलाइन इसको अपने घर पर ही बैठकर देखने के लिए, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, एंजॉय करें, हैप्पी जीएसटी, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।